बाकी ऊंची हवे। भाई वाह भाई वाह, हमारी खिंजा ने तो बहुत अच्छे कलर की। नाना अबू आप भी करें ना। हाँ नहीं बेटा, नाना अबू को कलर करने कहाँ आता। नाना अबू, मामा आपसे नाराज है क्या? नहीं नहीं बेटा नहीं, मेरी सूफिया मुझसे नाराज नहीं हो सकती। फिर आपसे उन्होंने सलाम क्यों नहीं किया? बेटा वो मेरा ख्याल थकी भी आई है ना, इसलिए है ना। तुम ऐसे करो, जाके जल्दी से सुल्ताना भी सिखाओ, उनको चाय गरम गरम बना के पिलाए ताकि उनका मूड ठीक हो जाए, है ना। जा शाबाश। हाँ किरण, कहाँ हो यार? फिजा घर में इंतजार कर रही है। तुम फोन रखोगे तभी तो मैं आऊंगी ना। अच्छा बाबा परेशान ना हो, इनफैक्ट मैं निकल चुकी हूँ, गाड़ी के पास ही हूँ। ठीक है वसीम, तो ये क्या हरकत है वसीम? किरण किरण वहाँ हो क्या रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? बैठो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे वसीम। अब ये किरण कितने दिन रुकेगी यहाँ? जितने दिन भी रहे, तुम्हें क्या मसला है? मसला है अम्मी, अब इन दोनों के साथ उसके नखरे भी उठाने पड़ेंगे। आहिस्ता बोलो लड़की, इस घर से भी निकलवाना है, अगर फिजा ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? जो दिल चाहे सोचे, और वैसे भी हम लोग यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं है। क्या मतलब, इस घर को छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया है, जैसे ही वहां से जॉब की ऑफर आती है मैं कोई छोटा मोटा फ्लैट देख लूंगी, तो फिर आपको लोगों की चाकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोग यहाँ पे ना बेरोजगार फिर रहे हैं, अगर इतना आसान होता ना तो सबको नौकरी मिल जाती। अब फजूल के ख्वाब देखना बंद करो और चलकर किचन में मेरा हाथ बटाओ। मुझे नहीं जाना अम्मी किचन में, वैसे भी आपको ज्यादा शौक है ना इनको खुश करने का, तो आप जाएं। सुना तुम इतनी बदतमीज और जिद्दी क्यों? क्योंकि यहाँ जिद किए बगैर कुछ नहीं मिलता अम्मी। क्या होगा इस लड़की का? वसीम ये तुम ठीक नहीं कर रहे, इस तरह करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तो मैं कर लूँ, कागजात नहीं तो सोच लो किरण, अगर मुझे मेरे कागजात नहीं मिले ना तो तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, तुम समझ क्यों नहीं रहे? सब कुछ तुम्हारे सामने, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने कजिन से बात करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। सिर्फ बातें नहीं, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स। ठीक है मैं तुम्हें कल तक बताती हूँ, लेकिन अभी प्लीज मुझे घर जाने दो। तुम ये सब करके तुम पेपर्स नहीं ले सकते मुझसे, प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो तुमने अगर किसी को ये बताया भी कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है तो कानून तो मुझे बाद में सजा देगा, उससे पहले जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना वो तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं मैं नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन तुम प्लीज मुझे घर जाने दो वसीम, प्लीज। गाड़ी घुमा से घर की तरफ। बस रोक इधर, साइड पे रोक। वॉर्न कर रहा हूं तुम्हें, समझी तुम? फिजा फिजा क्या हुआ सामा? यार किरण को वसीम ने किडनैप कर लिया है। क्या अब क्या होगा? पता नहीं, मैं उसके ऑफिस जाके देखता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि वो वहां रुका रहेगा? मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करवा देनी चाहिए। रिपोर्ट ये ठीक रहेगा,
मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम उसको फोन करती रहो, जैसे ही रब्ता हो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ध्यान से जाना सामा। हेलो, आ रहे हैं। या अल्लाह किरण को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना। मुझे पता था कि तुम ऑफिस में ही होगे। फोन क्यों नहीं पिक कर रहे मेरा? कुछ बोलोगे भी या यूं ही बैठे रहोगे? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है साहिद, क्या बोलूं? इस तरह अगर तुम हिम्मत हार दोगे तो जो नुकसान हुआ है उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नुकसान को रिकवर करने के लिए भी ना पैसों की जरूरत होती है जाहिद साहब, लेकिन मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम हवेली को क्यों बोल रहे हो? क्या हवेली? तुम चाहते हो कि मैं उसको बेच दूं? बेचने को कौन कह रहा है, उसे गिरवी रखवा के भी तो हम काम निकाल सकते हैं। नहीं, हम इसके लिए कभी भी नहीं मानेंगे। सोच लो नासिर, मेरी एक कंपनी से बात चल रही है, अगर ये डील हो गई जितना नुकसान हुआ है उसका दुगना मिलेगा, और वो भी आखिर माँ है, तुम्हें परेशान दिखेगी तो जरूर मान जाएगी। मगर उसामा क्या कहता है? वो भी तुम्हारी तरह कंगाल हो चुका है, बस एक फ्लैट बचा है उसके पास। फिर क्या, वो फ्लैट गिरवी रखवाने के लिए रेडी हो चुका है। अच्छी तरह सोच लो फिर मुझे बताना, हमारे पास दिन बहुत कम है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। सोया, तुम्हें पता है किरण अफवाह हो गई है? चलें, अच्छा हुआ हमारी भी जान छूट गई उससे। सोया, तुम इतनी पत्थर दिल कब से हो गई हो? इसमें पत्थर दिल होने वाली कौन सी बात है अम्मी, और वैसे भी उससे कौन सा रिश्ता था मेरा जो परेशान होती, और गई होगी वो किसी अपने दोस्त वोस्त के साथ। एम ही परेशान हो रहे हैं आप लोग, अभी आ जाएगी कॉल कि ठीक है वो। सोया, अम्मी अब ऐसे तो ना देखें, ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। कितना बदल गई हो तुम, तुम्हारी सोच पर और तुम पर मुझे हैरत हो रही है। वक्त के साथ साथ खुद को बदलना पड़ता है अम्मी, और आपको हैरान होने से ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि आपकी बेटी ज़माने के साथ साथ चल रही है। चुप हो जाओ गया, बहुत बोलने लगी हो तुम। बेटा परसों जा रहे हैं। मामा कहाँ जा रहे हैं? एरोप्लेन में जाएंगे, बहुत दूर, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। शुक्रिया। नाना अबू भी चलेंगे ना हमारे साथ? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा तुम लोगों के साथ। चले ना नाना अबू, बहुत मजा आएगा। मेरी जान, मैं अगर तुम्हारे साथ चला गया तो यहाँ घर के काम कौन करेगा, कौन संभालेगा घर को, है ना? और फिर ये मत भूलो कि तुम्हारी अम्मी काम से जा रही है, घूमने फिरने नहीं जा रही है। अब्बा मियाँ ठीक कह रहे हैं किंजा। अब दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती हुई? तो लड़ाई कब हुई थी हमारी? दोस्ती हो गई, चलो खाना खाओ जल्दी जल्दी। चलो किरण, उसने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? कुछ बता क्यों नहीं रही हो? लेकर कहाँ गया था वो तुम्हें? क्या हो गया उसामा, तुम उसकी हालत देखो, फिर भी सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो उससे। उसकी हालत देख के ही सवाल पूछ रहा हूँ, खुदा ना खासा उसने उसके साथ कुछ। अल्लाह ना करे उसामा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो किरण, तुम खुद को बिल्कुल भी अकेला मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। और जहां तक वसीम की बात है, उसे तो मैं देख लूंगा, अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। उसामा नहीं, नहीं उसामा, तुम कुछ नहीं करना, वरना वो। वरना क्या यार? किरण प्लीज मत, मैं पानी लेकर आता हूँ। किरण संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा।
वसीम देखो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, क्या किया है तुमने किरण के साथ? फिलहाल तो मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। हाँ अगर मेरी फाइल जिसने मुझे एक से दो दिन में नहीं दी ना तो मैं इसे छोड़ूंगा। क्या मतलब नहीं छोड़ोगे? क्या करोगे तुम उसके साथ? मार डालोगे उसे? क्या बात है, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे? हाँ हो रही है हमदर्दी। क्या करोगे अब तुम? मुझे भी मार दोगे? अंबर मेरे साथ कोई फजूल की बात मत करो वरना। वरना क्या? क्या करोगे तुम? तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, अपनी माँ और भाई को धोखा दिया और बदले मुझे क्या मिला? मैं बदला चाहिए, बहुत जल्द तुम्हें बदला मिल जाए। अगर मुझे मेरा होटल नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, समझी तुम? वसीम, वसीम! हेलो। हेलो, आप ठीक तो हैं आप अमिया? कुछ होता ही तो नहीं है मुझको बेटा, सब दुख झेल कर भी बस जिए जा रहा हूं, जिए जा रहा हूं। फायदा क्या है इस जिंदगी का जब मेरी बेटी ही मुझसे बदगुमान होकर जा रही? वो नहीं जाएगी अब अमिया। ये तुम कैसे कह सकते हो, परसों उसकी फ्लाइट है। ट्रस्ट मी अपानिया, वो नहीं जाएगी। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो बेटा? आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे भाई तुम पर तो मुझे अंधा एतमाद है, लेकिन फिर भी ये कैसे मुमकिन होगा? ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ो, आप प्लीज परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। बेटा कब तक उस फाइल का मातम मनाओगी हैं? अब आगे का सोचो क्या करना है। अम्मी मुझे इन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जरा सा भी भरोसा नहीं इनको मुझ पर, फौरन ही फाइल हटा ली। देखो बेटा अब जो होना था ना सो हो चुका, अब आगे की सोचो। वैसे मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। तौबा अम्मी मुझे डराए तो ना। इसमें डरने की क्या बात है बेटा, साफ जाहिर है शादी के इतने अरसे गुजरने के बाद भी अभी तक उसे तुम पर एतबार ही नहीं है, इससे अंदाजा लगा लो। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं अम्मी, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं अम्मी? वैसे तो ये बिल्कुल ठीक रहते हैं लेकिन इन मामलात में फौरन गुन्ने बन जाते हैं, मजा ले जो मुझे किसी बात की भी बिना कोने दे। देखो बेटा उसके पीछे पड़ने के बजाय ना अपना काम निकलवाओ। मैं भी यही चाहती हूँ अम्मी, लेकिन कैसे? देखो बेटा सबसे पहले उसकी हमदर्दियां वसूल करो, फिर उसे एहसास दिलाओ कि तुम ही उसकी सबसे बड़ी हमदर्द हो और उसे उसकी माँ के सामने बुरा बनाओ। जब तो हम ये काम निकलवा सकते हैं, वरना मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत बुरा किया उसने। हाँ हाँ तो मैं उसके साथ और बुरा करूंगा। खैर आप अपनी सुनाएं, नासिर से बात हुई और क्या कहा उसने? कहा तो कुछ नहीं, बस चेहरे से लग रहा था कि वो हमारे दाम में आ जाएगा। उसे आना भी चाहिए जाहिर, क्योंकि ये सब मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होता जा रहा है। तुम गुस्से में कुछ उल्टा मत कर जाना, सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है तुम फिर इसी को हैंडल करो, मैं वसीम को देखता हूँ। नासिर जैसे मुझे ग्रीन सिग्नल देते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़।
वो भी तुम्हारी तरह कंगाल हो चुका है, बस एक फ्लैट बचा है उसके पास। फिर क्या, वो फ्लैट गिरवी रखवाने के लिए रेडी हो चुका है। अच्छी तरह सोच लो फिर मुझे बताना, हमारे पास दिन बहुत कम है। अच्छा मम्मी आप आ गई, मैं आप ही के पास आने वाला था। क्या बात है बेटा, तुम इतना चुप चुप क्यों हो? तुमने खाना भी सही तरह से नहीं खाया। मम्मी बात ही कुछ ऐसी है, अब भी सुनेगी तो आपको भी चुप लग जाएगी। ऐसी क्या बात है बेटा? मम्मी मैं हवेली गिरवी रख रहा हूं। क्या हवेली गिरवी रख रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो नासिर, हवेली हमारा घर है और तुम इसे गिरवी रखने की बात कर रहे हो? हमें सिर्फ गिरवी रख रहा हूँ, बेच नहीं रहा। जो भी है मैं तुम्हें इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। और फिर तुम्हें जरूरत क्या पड़ी है, क्यों अपने घर को दाव पे लगाने पर तुल गए हो? हमें जरूरत पड़ी है तभी ऐसा कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रहा, आपको बता रहा हूँ कि मैं फैसला कर चुका हूँ। अकेले तुम्हारे फैसला करने से कुछ नहीं होगा, जब तक मैं ना चाहूं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमें प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं चाहता तो ये काम आपसे छुपकर भी कर सकता था, लेकिन आपकी इत्तला में लाए बगैर मैं कोई काम नहीं करना चाहता। जो तुम चाहते हो उसकी इजाजत तो मैं हरगिज नहीं दूंगी। हाँ अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ, हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। मेरी परेशानी का वाहिद हल सिर्फ यही है, अब आप चाहें तो इसकी इजाजत है वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूँ। अब आप इसकी इजाजत अगर हंसी खुशी दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। हंसी खुशी कोई अपना घर कैसे भेजता है नासिर, मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं हो सकता। कितनी मुश्किल से हासिल की है हमने ये हवेली, इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी मैं। तो क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। बाबा की ऊँ